हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सप्लाई चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉ ऑफ सप्लाई, उसके एक्सेप्शन क्या है, साथ ही समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम के कारण, और साथ ही डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक हमारा कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन क्या है, नियम के कौन से, लॉ ऑफ सप्लाई पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो टॉपिक है पहला रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम के कारण। देखिए, आपको बता दूं पूर्ति के नियम के कारण का मतलब क्या है। आप सभी को पता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई घटेगी, सही बात है, और जब प्राइस जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना। लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होता है क्या कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटती है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, लेकिन सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, कोई बात नहीं, वो चल जाता है। तो अब बात आ रही थी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इन दैट केस करना क्या हमें, ऐसा क्यों होता है, वो बोल रहा है कारण कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती है, इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर बेसिकली आपकी बुक में तीन कारण दिए हैं। पहला प्रॉफिट मोटिव, लाभ उद्देश्य। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, उस आप सेलर की नज़र से देखोगे उधर पे, क्या एक बेचने वाले की नज़र से। तो अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है तो उसमें आपका मुनाफा भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आप उस वस्तु को बेचना क्या करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए उसका माल का स्टॉक क्या रख लेंगे, ज़्यादा रख लेंगे। इन दैट केस देखो, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ गई ना, आपने ज़्यादा रख लिया माल, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की संख्या में परिवर्तन, परिवर्तन भी क्या बोलो, वृद्धि कह लो। होता क्या है, जब आपको पता है कि किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसको बेचने पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसे बेचने पे फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ फर्में कहती हैं यार ये दो फर्म बहुत ज़्यादा कमा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो सामान बेचती है उसमें मुनाफा बहुत है। तो उसने, तीसरा जो बंदा सोच रहा था, उसने भी वही शॉप खोल डाली, ठीक है। और हुआ क्या कि यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स दो थी, अब कितनी हो गई, तीन, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें लगा यार ये लाभ कमा रही तो मैं क्यों ना कमाऊँ, इतनी महंगी चीज़ बेच रहे हैं और उसे लोग खरीद भी रहे हैं तो मेरे प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्यों ना हो, उसने भी अपनी फर्म खोल दी। अब इन दैट केस होगा क्या, क्योंकि उसके फर्म खोलने से प्राइस बढ़े थे, एक तो बढ़ ही थे, दूसरा सप्लाई भी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। एंड लास्ट, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। ये कहीं ना कहीं लोगों का, इन पॉइंटों का निचोड़ है। निचोड़ का मतलब क्या है कि आपको पता है प्राइस बढ़ेंगे तो भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सामान बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव में आ रहा था कि उनको लाभ कमाना है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे ज़्यादा बेचने लग जाएंगे। दूसरा, चेंज इन स्टॉक का यहाँ पर मतलब आ जाता है, प्राइस बढ़ने पर वो ज़्यादा माल रखते ही हैं, उन्हें पता है ज़्यादा बिकेगा प्राइस बढ़ने पर तो हमारा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं एक तरह से लिंक भी कर जाते हैं, ठीक है। ये तो थे तीन कारण जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई लगता है, मीन्स प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। लेकिन बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति के नियम के अपवाद। अब ये अपवाद का मतलब क्या है, ऑलरेडी मांग वाले चैप्टर बता दिया कि जो जनरली होता है उसका उल्टा होना। कई बार हम डायलॉग मारते हैं कि आज सूरज पूर्व के जगह पश्चिम से कैसे निकला है, इसका मतलब क्या है, वैसा होता नहीं ऐसा, लेकिन बोलते हैं कि जब कोई बार काम डेली हो रहा है उसका अपोजिट होना क्या कहलाता है, उस नियम का अपवाद। सेम लाइक हमें पता है कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, है ना, कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा ना होना कहलाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो समझते हैं ऐसा कब कब हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में आपको देखिए, यहाँ पे देखिए कि होता क्या है, अगर आपको लगे कि फ्यूचर में कोई चीज़ की प्राइजेस घटने वाले हैं, ध्यान रखना, तो आपका सप्लायर, ध्यान रखना, पता पड़े फ्यूचर में कोई चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, मान लो आज कल प्राइस बढ़ने वाले हैं, कल, आज नहीं कल, तो सप्लायर पता है क्या करेगा, आज ही वो सारा माल अपने पास सस्ते में ला के रख लेगा और कल आपको बेचेगा। तो देखो सप्लाई उसने आज ही बढ़ा दी, लेकिन सप्लाई बढ़नी कब चाहिए थी, कल बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि रेट तो कल बदलने वाले थे, लेकिन नहीं, वो आज माल ला के रख लेगा और आपको बेचना चालू, स्टॉक बढ़ा लेगा अपना, लेकिन सप्लाई कब करेगा, कल से। तो बेसिकली उसने क्या करा, प्राइस बढ़ने, अभी आज तो बढ़े ही नहीं थे,
लेकिन उसने सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ तो लॉ ऑफ सप्लाई बेकार कर दिया। सॉरी, नेक्स्ट एग्रीकल्चर गुड्स। देखिए एग्रीकल्चर गुड्स आलू हो गया, जितनी भी सब्जियाँ हो गई, उन्हें बनाने में टाइम पीरियड लगता है। अब आप कहेंगे कि प्याज की कमी हो गई है तो उसके रेट बढ़ेंगे, सही बात है, रेट बढ़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ प्याज की अगर कमी हो गई है तो उसे तुरंत ही नहीं कि शकालाका बुम बुम की छड़ी लेके आप उसे प्याज बना देंगे, नहीं, प्याज को बनने में टाइम लगेगा, 4 से 6 महीने जो भी लगते हैं। तो अगर उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो उसकी सप्लाई आप अचानक से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसे बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जितने भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ने पर उनकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ यह मांग के पूर्ति के नियम का अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब नाशवान वस्तुएं जो जल्दी बर्बाद हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल के लिए आप अपने नियर बाय शॉपकीपर के पास जाइएगा और उससे पूछेगा कि वो जो घर में दुकान पे जो पैकेट दूध मंगाता है वो कितने दिन का मंगाता है। ऐसा नहीं हो सकता 5 दिन का एक साथ मंगा के रख ले, क्यों बार बार डेली का लेता है। होता क्या है रीज़न, क्योंकि दूध 2 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, ब्रेड जाता है टाइम तक रखी रहेगी ख़राब हो जाएगी, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा टाइम तक रखी नहीं रह सकती, आटा चल जाएगा, दाल चल जाएगी, चावल चल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं चल पाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अगर दूध के प्राइस बढ़े हैं ना, दूध के प्राइस बढ़े हैं, पैकेट वाले दूध की बात कर रहा हूँ, तो सप्लायर दुकानदार ज़्यादा दूध अपने पास नहीं रखेगा, उसे पता पीने वालों की डिमांड उतनी है और अगर मैं ज़्यादा रखूँगा मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो नाशवान वस्तुओं को ज़्यादा सप्लाई करके नहीं रखते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब है यहाँ पर सीमित वस्तुएं, यहाँ पर हिंदी का वर्ड एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको बुक में कोई और अच्छा मिले वो डाल सकते हैं। रेयर आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल मतलब जो रेयर है, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, जैसे कि गांधी जी का चश्मा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का सूट, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेयर आर्टिकल्स है। अब अगर इन आपको देखो ना कि इनकी बोली लगती है, अगर बेचा भी जाता है और करोड़ों में पहुंच जाती है, तो होता क्या है कि अगर इनकी बोली लग रही है तो इनकी कीमत क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा मतलब कीमत, प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो गांधी जी के चश्मे भी बढ़ जाएंगे क्या, ज़्यादा बिकने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो रेयर, वो एक ही पहनते थे, ज़्यादा ज़्यादा दो होंगे उस वक्त, ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। मोनालिसा की पेंटिंग बन चुकी है भाई, अब उसकी सप्लाई थोड़ा ना बढ़ा सकते, उसकी कॉपी की जा सकती है, ठीक है। तो बात और ये कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुएं जो सीमित होती हैं, उनकी कीमत बढ़ने पर आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्लियर है, आप उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई टूट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज के टॉपिक के 2 टॉपिक। सबसे पहले हमने रीजन ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, कि इसके अंदर 3 पॉइंट देने आपको, प्रॉफिट मोटिव, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स और चेंज इन स्टॉक, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई कायम होता है, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। वहीं हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, एयर आर्टिकल्स, जो बताते हैं कि प्राइस बढ़ने पर हमेशा सप्लाई नहीं बढ़ती, ठीक है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे से बात करनी हो या कोई भी सेशन या कमेंट डाउट चाहिए हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैं आपको आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।